हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं विंटर का सबसे फेवरेट चीज़ बनाने जा रही हूँ, गोभी का पकौड़ा। आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे पीसेस में गोभी काट के रखी हूँ और रात में भिगोया हुआ चावल को सुबह अभी पीस के उसमें थोड़ा सा सारे मसाला सब मिक्स कर दी हूँ। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लहसुन सब पीस के इसमें रख दी हूँ। रख के मिला के रखी हूँ इसको, पहले से ही पेस्ट बना के रखी थी। और देखिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में गरम तेल रख दी हूँ। आप देख सकते हो अब मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का पकौड़ा। देख सकते हो बहुत लजीज है, विंटर में सभी का फेवरेट है गोभी का पकौड़ा। आप लोग भी अपने घर में बना के देखना, इस सीजन में सबका फेवरेट गोभी का पकौड़ा, बच्चे से लेके बूढ़े सबको पसंद आता है। और इसे खाने का स्वाद भी एक अलग लेवल पे चला जाता है। आप लोग जरूर ट्राई करना। एक एक करके मैं सारे गोभी इसमें डाल दी हूँ और पकने में 2 से 3 मिनट में पलटा के फिर देखूंगी हुआ है कि नहीं। बेसन, चावल, सबसे अच्छा चावल का आटा जो होता है, या आप चावल को रात में भिगो के और सुबह सुबह पीसोगे और अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। इसमें थोड़ा लहसुन, और जो लहसुन नहीं खाते वैसे भी जो मसाले वो सब डाल के इसमें बनाए, बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी रहने लगता है। मेरे घर में सब लोग खाते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं। आप देख सकते हो बन रहा है, इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहना। अब मैं इसको पलट देती हूँ, देख सकते हो। गोल्डन टाइप का हो गया, गोल्डन कलर का। और इसको अभी तक होने में, पकने में अभी 2 मिनट और लगेगा। इसको इस तरफ इस साइड से पक चुका, अब हम लोग पकने में टाइम है, 2 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं। आप देख सकते हो मेरा गोभी का पकौड़ा बन के रेडी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अलग प्लेट में, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसा बना है। अब आप देख सकते हो मेरा गोभी का पकौड़ा कितना सुंदर अच्छा बना है। कलर भी देख सकते हो, गोल्डन कलर का हो गया है। इसको देखते हैं पक्का है कि नहीं, देख सकते हो इजीली टूट रहा है। आप ही घर में बना के खाना, बहुत अच्छा बनता है, सबको पसंद है। ये एक विंटर में सबके लिए, आप लोग ज़रूर बना के खाना अपने घर में। अब देख सकते हो, लुक देख सकते हो इसका, बहुत लजीज बना है। आप भी ट्राई करो और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।